सो ग्रीटिंग्स पोकी फैंस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार नए पोकेमोन रेड एडवेंचर के इस एपिसोड के अंदर। या कहूँ मैं पोकेमोन एडवेंचर रेड, ड्रॉप को ऑलरेडी चैलेंज करके हो चुका है। जहाँ पे मैं खड़ा था वहाँ पे था ऐश। लास्ट एपिसोड के अंदर ऐश को भी हम लोग ने डिफीट कर दिया था, तो जरूर ऑसम सी बैटल थी, चेक करना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अभी मेयर से बात करेंगे, मेयर अभी तक गुड लक बोल रहा है, तो इसका मतलब एक और बैटल बाकी है। पता नहीं अभी किसके साथ बैटल करनी पड़ेगी। वैसे यहाँ पे ब्लू बैटल कर रही है एरिका के साथ, और डेफिनेटली उसने एरिका को भी हरा दिया है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपका पचका हो जाएगा, यहाँ पे एक फेक आइटम है, तो आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे कुछ बातें चल रही है सीरियसली, लेकिन उनको बाद में चेक करेंगे। यहाँ पे बिल था, बिल को भी हम लोग ने ऑलरेडी चैलेंज कर दिया है। तो हमारे तीन बैटल्स ऑलरेडी हो चुके हैं रॉयल बैटल फेस्टिवल के अंदर, जरूर चेक कर सकते हो उन तीनों बैटल्स को। लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दी हुई है पूरी प्लेलिस्ट, उसके अंदर दिया हुआ है। आपको एपिसोड अगर पसंद आते तो लाइक करना, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चौथी बैटल कहाँ पे हो सकती है, किसके साथ हो सकती है, ये जरूर आज के दिन हम लोग देखने वाले हैं। उसके साथ साथ रॉयल बैटल फेस्टिवल कम्प्लीटली मैं रैपअप करने की कोशिश करूंगा, और देखेंगे एंड में कि विनर कौन होने वाले, क्योंकि हमारे साथ डेजी थी और डेफिनेटली ट्रेजी यहाँ पे हारते हुए मिस्टी के साथ, तो बड़ा चैलेंज था। और उस बड़े चैलेंज में डेजी काइंड ऑफ डिफीट हो गई, उसमें कुछ दोहराया नहीं है कि भाई मिस्ट्री से तो हारने ही वाली थी, ऐसा मुझे लग रहा था। तो अभी हम लोग फोर्थ बैटल को चेक करेंगे आज के एपिसोड में, उसके साथ साथ रॉयल बैटल को भी चेक करने वाले हैं कि फेस्टिवल का विनर कौन होगा। तो बने रहेगा एपिसोड के अंदर। हम लोग आ चुके हैं मेयर के पास, और मेयर के पास आने के बाद हम लोग अभी जाएंगे सीधा हमारे फोर्थ मेंबर के पास, जो हम लोग से बैटल करने वाला है, नन अदर देन ग्री। क्योंकि ब्लू ऑलरेडी बैटल कर रही थी, तो हम लोग ग्रीन से भी बैटल करने वाले हैं। फटाक से मैं इस बैटल को रैपअप करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग बैटल लग नहीं रहा है। ये ग्रीन से हमेशा हम लोग ने बैटल की ही है, तो मैं आपको बैटल दिखाऊंगा फास्ट फॉरवर्ड मोड के अंदर। तो म्यूजिक आनंद जरूर लीजिएगा, मिलते हैं बैटल के बाद। सो बहुत सारे नए पोकेमोन्स देखने मिले हम लोग के ग्रीन के पास, और डेफिनेटली यहाँ पे प्रिंसेस प्रिंस प्रॉल का क्लोज टू द एंड आने वाला है। रिपोर्ट करने के लिए हम लोग को स्क्वायर के पास जाना पड़ेगा, मतलब मेयर के पास जाना पड़ेगा, वही है स्क्वायर। और यहाँ पे ब्लू वर्सेस मिस्टी हम लोग को देखने मिल रही है, जो है टू फाइनलिस्ट ऑफ द प्रिंसेस फेस्टिवल। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से मिस्टी जीत सकती है, लेकिन गीज व्हाट यू हैड इवन बोथ गोको एम एस वेयर डिड एश को आई गेस मे ओके। यहाँ पे हम लोग को कोई क्वेश्चन भी पूछ रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही है। ब्लास्टोस वर्सेस स्टॉर्मी यहाँ पे कंटिन्यूस चल रही है, चाइल्ड्स प्ले साइज्मिक टॉस्ट आर्मी नो यूज़, और यहाँ पे कुछ तो चीज़ हुई, और ब्लू यहाँ पे बाहर आते हुए चैंपियनशिप से, व्हाट आर यू जस्ट गोइंग टू डू। और यहाँ पे ब्लू बाहर भी चली गई, तो इसका मतलब ये है बैटल छोड़ने के बाद डिफॉल्ट से विनर तो मिस्टी ही हो जाती है। लेकिन गोको एमएस ये है द ब्लू वी नो वुड नेवर टॉक ओके वॉक ऑफ दिस लाइक अ बैटल, और ये क्या बड़बड़ा रहा हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे ग्रीन बोल रहा है कि ब्लू यहाँ से चली जा चुकी है, इसका मतलब कुछ तो ज़रूर हुआ है ब्लू को। और मेयर ने यहाँ पे टॉड ने विनर ज़रूर अनाउंस कर दिया है। हम लोग को मिल चुका है 10,000 बोकी कॉइंस, इसके साथ हम लोग मिल गया है डीडी अपग्रेड, जिससे करके हम लोग पॉलीगॉन को पॉलीगॉन 2 के अंदर इवॉल्व कर पाएंगे। और मेजर जो विक्ट्री है प्रिंसेस फेस्टिवल की वो गई है मिस्टी को, तो ग्रीन बोल रहे हम लोग जरूर मिलने वाले हैं, लेकिन उससे हम लोग अभी पोर्ट पे मिलेंगे, मैंडरिन आइलैंड पोर्ट पे हम लोग कुछ बातें करेंगे, ब्लू के बारे में डिस्कशन जरूर होगी। बिल यहाँ पे बोल रहा है कि डेजी आई विल हेड बैक टू कैंटो, गुड लक ओको एमएस, और इसी के साथ वो भी दोनों के दोनों चले जा चुके हैं। यहाँ पे एरिका आते हुए ब्रॉक मिस्टी आई एम गोइंग टू रिज्यूम एज जिम लीडर ड्यूटीज, और इसी के साथ वो तीनों भी यहाँ से चले जा चुके हैं। डेलिया ने जरूर पूछा कि ऐश कहाँ पे है, बीच में एक क्वेश्चन आया था तो वो डेलिया का था। और यहाँ पे हम लोग ने फाइनली इस पर्टिकुलर मैंडरिन आइलैंड प्रिंस एंड प्रिंसेस फेस्टिवल को, रॉयल बैटल फेस्टिवल को जीत लिया है। और प्रिंसेस री डेजी ना की सॉरी मिस्टी ना की डेजी, लेकिन यहाँ पे सही है मिस्टी जीतनी वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि ब्लू जीत जाएगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग चीज़ हुई, ब्लू को कुछ तो हो गया। अभी हम लोग सीधा जाएंगे मैंडरिन आइलैंड्स की तरफ, और ये बड़ा सा रॉयल बैटल आइलैंड था, मतलब मैंडरिन आइलैंड जिसको हम लोग ने देखा था। अभी जाएंगे मैंडरिन आइलैंड पोर्ट की तरफ, मैं खुद को काइंड ऑफ
क्या बोलते हैं, सही करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। और नॉर्थ सेक्टर से जाते हो हम लोग शायद से वहाँ पे पहुँच सकते हैं, क्योंकि बीच के एरिया में वो था जो पोर्ट था जो हम लोग ने ऑलरेडी देखा हुआ था। यहाँ पे पॉलीगॉन कम आउट माई बाय बॉर्डर, ओके लिसन गोको एम एस, हाउ डू यू नो माई नेम, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड वॉट डू यू वॉन्ट, डी डी अपग्रेड गिव इट टू मी एंड आई विल स्पे योर लाइफ, प्लीज़ वॉट आर यू गोइंग टू डू, यू लॉस्ट मी। ओके हम लोग ने ऑलरेडी पॉलीगॉन को लास्ट एपिसोड के अंदर तो हरा ही दिया था, लेकिन फिर से एक बार वो डी डी अपग्रेड पाने की कोशिश कर रहा है। और यू आर इन माई इल्यूजन बट द पेन यू फील डेफिनेटली रियल, यू एनर्जी स्ट्रेंग एंड यू बी स्लोली डाइंग इन माई ओन, इन योर ओन रियल वर्ल्ड। तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉलीगॉन ने हम लोग को एक इल्यूजन वर्ल्ड में लेके आया। यहाँ पे ब्लू भी है तो ब्लू ने हम लोग को काइंड ऑफ कोच बनाने की कोशिश की, गेट अप, हम लोग इल्यूजन से यहाँ पे आगे आ चुके हैं और पॉलीगॉन यहाँ से भागते हुए इट्स गॉन अ बेटर हेड टू द ट्रिबोटा आइलैंड। तो हम लोग जब जाने वाले हैं ट्रोबिट आइलैंड के तरफ, जहाँ पे हम लोग को शायद से रूडी मिल सकता है, जो हो सकती है अनदर विक्ट्री हमारे लिए, क्योंकि मैं अभी फिलहाल तो वही सोच रहा हूँ कि जिम लीडर्स को फटाफट से चैलेंज करो अगर ये बोनस मिशन नहीं आते। और आई डिडंट नो ही विल बी सैबोटेज हिमसेल्फ लाइक दैट, ही टी वी मीट अगेन गोको एम एस फ्रॉम द पैलेट टाउन। यहाँ पे पॉलीगॉन टू मी इवॉल्व जरूर हुआ, पता नहीं किसके वजह से हुआ है, किसने उसको डी डी अपग्रेड दिया, लेकिन यहाँ पे इवोल्यूशन हम लोग को देखने मिल रहा है। हम लोग आ चुके हैं मैंडरिन आइलैंड पोर्ट की तरफ, सीधा जाएंगे हम लोग ग्रीन से बातचीत करने वाले, लेकिन उसके बीच में एक्स जीरो आते हुए और अभी हेड करेंगे ग्रीन के पास। हे लेट्स टॉक अबाउट द ब्लू नाउ, आई नो शी इज एक्टिंग वियर्ड बट दैट्स नॉट अ वे टू गो, ओके इट वॉज अ जोक, यू आर सो फनी, यू नो वॉट, यू आर सो फनी डैट आई हैव फॉरगॉट योर जोक। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी काइंड ऑफ बेइज्जती, लेकिन ठीक है, जोक भी इतना ज़्यादा अच्छा खासा नहीं था। अभी ग्रीन को थोड़ा सा काइंड ऑफ ब्लू पे थोड़ा सा संदेह है कि काइंड ऑफ ब्लू टीम रॉकेट से मिली हो सकती है, और उसने गेट से एस्केप करने में भी ग्रीन की हेल्प नहीं की थी, डैट मेक्स सेंस, और कम ऑन डोंट गो देयर, आई हाईली डाउट शी इज़ वर्किंग विद द टीम रॉकेट। तो यहाँ पे मुझे भी डाउट है, काइंड ऑफ रेड को भी डाउट है कि वो टीम रॉकेट के साथ मिली हो सकती है कि नहीं हो सकती। मुझे तो पता है कि ब्लू के कुछ ट्रिक्स है उसके वजह से वो तो टीम रॉकेट के साथ नहीं मिली हो सकती, लेकिन जो प्रिंस एंड प्रिंसेस फेस्टिवल के अंदर हो चुका है उसके वजह से काइंड ऑफ ब्लू पे शक ज्यादा जा रहा है। लेकिन उसने एक और चीज दिखी थी ग्रीन की, ग्रीन के आके तो सारे जगह पर फैली पड़ी है कि टीम रॉकेट के बंदे उसको दिखे थे, ट्रिबोट आइलैंड की तरफ जा रहे थे। ट्रिबोट आइलैंड पे ऑलरेडी एक जिम लीडर है जिसका नाम है रूडी, और उसको भी अंडर कंट्रोल करने की कोशिश करने वाली है टीम रॉकेट। तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी है यहाँ पे कार्ली आते हुए बोलते हुए ग्रीन ग्रीन, लेकिन यहाँ पे आई फाइनली फाउंड यू, आई कांट बिलीव यू जस्ट लेफ्ट मी ऑन, ओके हम लोग ने लास्ट आइलैंड के ऊपर कार्ली को देखा था, वो जो ग्रीन को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ग्रीन पहले यहाँ से भाग चुका था। और यहाँ पे We are up against Team Rocket. You wouldn't be able to okay fight back. No way. I fight Team Rocket too. गोको एम एस आई चैलेंज यू, इफ आई विन दैट विल बी टू आई एम स्ट्रॉन्ग ट्रेनर। तो इसी के साथ काली ने हम लोग को चैलेंज किया, अगर हम लोग यहाँ पे इस बैटल को काली जीत जाती है तो उसके साथ साथ देखा जा सकता है कि वो हम लोग के साथ बैटल कर सकती है टीम रॉकेट के खिलाफ या नहीं, हम लोग का साथ दे सकती है कि नहीं। ड्रैगन एट जीरो और हमारे पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा डाउन है ऐसा मुझे लग रहा है, मैंने हील नहीं किया, मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने हील तो जरूर नहीं किया है। और यहाँ पे बल्बा जाते हुए यहाँ पे आ रहा है पॉली, और पॉली के लिए हम लोग यहाँ पे सर्व करेंगे पॉली की मदद से, यहाँ पे अनदर सर्व, और इसके साथ ड्रैगन एयर बहुत ही डाउन होते हुए, लेकिन यहाँ पे मून ब्लास्ट अटैक जोर से बैठा है। यहाँ पे आ रहा है अनदर पोकेमॉन जो है फेरोथ्रॉन, और फेरोथ्रॉन काइंड ऑफ फॉर सीट का इवोल्यूशन है जो स्टील टाइप है, तो आप उसको इजीली हरा सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो डायनामाइट को भी या फिर पॉली को भी। यहाँ पे है गॉली थेले, ओके इसका नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ, लेकिन इसका नाम है गॉली टेल, और गॉली टेल एक काइंड ऑफ कोथिया का इवोल्यूशन है अगर मैंने सही से बताया हो तो, अगर रॉन्ग है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे राइट कर सकते हो। यहाँ पे एम स्मैगियस जो है मिस्टीवस का इवोल्यूशन छोटे के अंदर पाई जाएगी। यहाँ पे हमारा डायनामाइट भी जल्द से जल्द डाउन होते हुए, अभी एक ही है डिपेंडेंट, वो है हिपमॉनली, लेकिन ये रॉन्ग सिलेक्शन है मेरा, मैं गैस को सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे हिपमॉनली को सिलेक्शन करके हम लोग ने काइंड ऑफ गलती कर दी। तो अभी मेजरली देखा जाए तो हम लोग को काइंड ऑफ यहाँ पे हील ढूंढने पड़ेंगे, हील नहीं होंगे तो हम लोग को गैस के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, और गैस अगर हार जाता है तो यहाँ पे हम लोग टिपेंड रह सकते हैं बॉनफर के ऊपर भी। लेकिन यहाँ पे मिस मैगियस को हिपमॉनली ने फटाक से हरा दिया, पता नहीं था भाई इतना जल्दी हार जाएगी। यहाँ पे बिशॉप आते हुए, कभी कभी कुछ मिस्टीरियस चीज़ हो जाती है, बिशॉप को हराने के लिए भी अतिथि यूज़ करेंगे, और इसके साथ हिपमॉनली ने बिशॉप को भी हरा दिया। यहाँ पे आ रहा है सर्वाइन, और सर्वाइन को हराने के लिए हम लोग सिलेक्ट करेंगे मेगा किक को, लेकिन जो ही हो नहीं रहे भाई, यहाँ पे मेगा किक फिर से एक बार डॉज होते हुए नहीं लगा, फिर से एक बार यही चीज़ दिखने मिल रही है यहाँ पे। तो हम लोग अभी लावा प्लूम यूज़ करेंगे जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है मुझे, सर्वाइन के खिलाफ बर्न हो चुके हैं सर्वाइन, फिर से एक बार लावा प्लूम, इसके साथ हम लोग बाल बाल बच चुके हैं। गैस को यूज़ करने वाला था लेकिन भाई हम लोग यहाँ पे बच गए, और अच्छी खासी चीज़ हम लोग को मिल चुकी है। इसी के साथ यहाँ पे कार्ली को हम लोग सेफ जगह पे छोड़ने की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो बोली कि मैं ग्रीन के साथ आऊँगी। तो ये दोनों बंदे हम लोग के साथ अभी जाने वाले हैं ट्रिबोटा आइलैंड्स की तरफ। वी आर हियर, इसके साथ हम लोग आ चुके हैं ट्रोबिट आइलैंड्स की तरफ, और इट्स टीम रॉकेट, और टीम रॉकेट अंदर घुसते हुए आइलैंड के
यहाँ पे कुछ तो पक रहा है, आई एम गोइंग टू डू सम इन्वेस्टिगेशन को मैस एंड दे आर प्रॉबली एक्सपेक्टिंग अस, डोंट लुक टू सस्पिशियस। और कोको एम एस गेमिंग यहाँ पे डिस्कवर करने वाला है अनदर चीज़ को, लेकिन यहाँ पे ब्राउन भी आते हुए, ब्राउन ऑलरेडी पोकेमोन एसोसिएशन के पास स्पॉइलर है, लेकिन अगर आपने सीरीज चेक करेगी तो आपको पता ही रहेगा, नहीं चेक की है तो आप चेक कर सकते हो। ऑसम सी सीरीज है पोकेमोन एडवेंचर रेड, पूरी रेड की जर्नी अभी तक मुझे दिखाई दे रही है इसके अंदर। अभी हम लोग हील करने जाएंगे पोकेमोन्स को और फिर से एक बार मैं जाऊँगा ट्रॉबेट आइलैंड की तरफ। मैं आइलैंड के अंदर इसलिए नहीं घुसा क्योंकि वहाँ पे अगर टीम रॉकेट के बंदे रहते तो हम लोग को हराने की कोशिश करते, और मैं नहीं चाहता कि पूरा प्रेशर जो है हंटर पे आ जाए। कैंगार के अंदर जरूर इवॉल्व करने वाला हूँ मैं उसको, लेकिन उसके लिए थोड़े से लेवल अप करेंगे, उसके बाद ही उसको कैंगार के अंदर इवोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। अभी जाएंगे सीधा फेरी को यूज़ करेंगे और पोर्ट की मदद से, सॉरी फेरी की मदद से पोर्ट पर जाएंगे। फेरी की मदद से यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं द वन एंड ओनली ट्रॉबिट आइलैंड, आइलैंड ऑफ पिलर्स ऑफ पियर्स। ओके, ये कुछ पढ़ा नहीं मैंने, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में जरूर पढ़ेंगे। अभी तक वहीं पे रह जाते हम लोग। लास्ट एपिसोड बहुत ही ऑसम सा था रॉयल बैटल फेस्टिवल का, जरूर चेक करना पूरी की सीरीज। और उसके साथ साथ क्लेस भी खेला है, उसके साथ लाइट ब्लेटेन भी खेल रहा हूँ, तो खेला हुआ है, खेल नहीं रहा हूँ, खेला हुआ है। तो सारे जो पोकेमोन गेम प्ले के लिंक्स है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए। एपिसोड पसंद आते तो लाइक करना, और उसके साथ साथ एक और चीज़, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उसके लिए थैंक यू गाइस, जिन्होंने नहीं किया है अगर आप वीडियोस एंजॉय कर रहे हो तो ज़रूर करना सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना, ऐसे ही करके हमारी फैमिली बढ़ती जाएगी। और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, फ्री है वो, तो ज़रूर उसको भी जाके फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी कंटेंट आते जाएगा। तो बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम से पोकेमोन एडवेंचर रेड के अंदर।